ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मुंबई टू प्रयागराज ट्रेन की जर्नी। दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी थाने आ गए, तो ये जो ट्रेन है ये निकली लोकमान्य तिलक टर्मिनस से और डायरेक्ट आई है थाने। अब जो लोग लोकमान्य से नहीं चढ़े वो लोग थाने से चढ़ेंगे, उसके बाद आएगा कल्याण। तो हमारी सीट पे भी एक बंदा नहीं आया है, देखते हैं। चलो फिर मैं आगे बाद में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी कल्याण जंक्शन आ गया, अभी यहाँ से लोग चढ़ेंगे। तो ये निकली थी जैसे कि मैंने आपको बताया लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, और अभी आ गया है कल्याण, आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोग भीड़ देख सकते हो, बहुत भीड़ है यहाँ पे दोस्तों। हम लोग गांव जा रहे हैं, देख लो। चलो मैं आपको फिर आगे निकालूंगा कोई स्टेशन आएगा तो। अभी फिलहाल हम लोग कल्याण से निकल गए हैं, तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाते हुए। ऐसे नज़ारे तो दिखते ही रहेंगे, अभी चलते हैं, अभी आपको आगे कुछ अच्छा चीज़ दिखाऊंगा। और दोस्तों तो अभी मैं, आप देख सकते हो ट्रेन अभी रुकी है, तो अभी मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, कसारा। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इंजन लग रहा है ट्रेन का, क्योंकि आगे पहाड़ी एरिया है तो चढ़ने के लिए इंजन लगेगा, तो इसके लिए ट्रेन रुकी है। तो अभी ये यहाँ, इसके बाद वड़ा पाव नहीं मिलेगा, तो अगर वड़ा पाव खाना है तो यहीं से लेना पड़ेगा। मास्क पहनना ज़रूरी है गाइस स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे भी लोग घूम रहे। तो अगर आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए एक क्वेरी होगी कि यहाँ पे क्या दोनों वैक्सीन लेना ज़रूरी है, या एक भी लेना ज़रूरी है, या डॉक्यूमेंट दिखाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है लोकल 4:22 और ना ही कुछ भी, मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए है, और यहाँ पे आप ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आपको और दिखाता हूँ व्यू, कहीं ऐसा ना हो मैं आप लोग को दिखाता रहो और पीछे से मेरी ट्रेन ही निकल जाए। तो दोस्तों ट्रेन से जाने का ये मकसद था, मुझे एक ब्लॉग बनाना था, तो इसके लिए मैं ट्रेन से जा रहा हूँ आज दिखाने के लिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे कुछ रहेगा तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग गुफा में आ गए, दिखा रहा हूँ मैं आपको। जब मैं छोटा था, यानी जब हम लोग, मैं छोटा था, ऐसी गुफा आती थी तो बहुत डर लगता था, बहुत मज़ा भी आता था। देख लो आप लोग कितनी लंबी गुफा, कुछ कुछ दूर में लाइट्स लगी हुई है, दिख रहा है जैसे कि आप लोगों को। फिलहाल गुफा ख़त्म होने वाली, ओके दोस्तों। तो अभी हम लोग इगतपुरी आ गए, आप देख रहे हो,
इगतपुरी आ गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे ट्रेन खड़ी है, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ स्टेशन पे खाने के लिए क्या क्या मिलेगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ खाने के लिए क्या क्या है यहाँ पे। ऐसे फूड स्टॉल लगते इडली मिल जाएगा, वड़ा पाव भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों चलो, ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग कटनी पहुंच गए। ओके, ट्रेन चालू हो गई है तो मैं निकल रहा हूँ फटाफट। और ये देखो खाने के लिए क्या है, इडली है, समोसा है। तो चलते हैं हम लोग भी, ट्रेन चालू हो गई है, मैं भी निकलता हूँ। ये रहा समोसा भाई, समोसा कितने का? 20 का 3। तो अभी काफ़ी ट्रेन ट्रैवल करने के बाद हम लोग दूसरा एक स्टेशन पे रुकी है, जो कि है, स्टेशन का नाम है मैहर। चलो आप लोग को दिखाता हूँ स्टेशन कैसा है यहाँ पे। स्टेशन के मामले में देखा जाएगा तो साफ सफाई में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब क्लीनलीनेस के मामले में। चलो दोस्तों, ट्रेन चालू हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलो हम लोग भी चढ़ते हैं ट्रेन में, फिलहाल तो ट्रेन चालू हो गई है। ओके, तो दोस्तों अभी ट्रेन रुक गई है, देख सकते हैं आप लोग। लगता है कोई ट्रेन पास हो रही है। ट्रेन चालू हो गई है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों यहाँ पे। और चलो अभी फ़िलहाल रखता हूँ मैं, काफ़ी स्पीड हो रहा है ट्रेन, कैमरा गिरने का डर है। तो दोस्तों अभी सतना आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए फिर आपको दिखाऊंगा आगे क्या आता है नेक्स्ट, तब तक के स्टे ट्यून। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने ही वाले, ये आपको जो दिख रहा है ये रेल की पटरियां हैं जो लेके जाई जा रही है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी गंगा यमुना जी भी आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए कुछ नज़ारे देखिए। Thank you.
दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुंच गए प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा करते थे, अभी उसको प्रयागराज कहते हैं। आपको तो मालूम है नेम चेंज हो गया था उसका। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो अभी मैं अभी हम लोग मतलब मेरे मामा के घर जा रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा रास्ते का व्यू। फिलहाल के लिए स्टेशन से बाय बाय करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं इलाहाबाद, जो कि पहले ही बता दिया आपको प्रयागराज। तो अभी मैं आपको रास्ते दिखाऊंगा और ऑन द वे कैसा दिखता है। तो चलते हैं दोस्तों। तो ये रास्ता है, जाता है गंगा घाट की तरफ भी। फिलहाल तो लेट हो गया है, तो मैं आज गंगा घाट नहीं जाऊंगा, मैं कल आप लोग को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अभी आपको मैं स्कूल दिखाऊंगा। ये स्कूल है, बॉयज स्कूल एंड कॉलेज। इस तरह से यहाँ पे दुकानें लगती है। तो मैंने फिर से आप लोगों को बता दूँ कि अभी मैं मामा के घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, आइए 3-4 किलोमीटर है। दोस्तों, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगा, तो चलते हैं, फिर आपको बाद में दिखाऊंगा। चलना दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो चलो, मैं आप लोग को बाय बाय, यहीं तक का सफर रहा। अब मैं आप लोग को कुछ और दिखाऊंगा भी और, ठीक है, चलो बाय दोस्तों। तो अभी मैं आ गया हूँ, मतलब मामा के इधर आ गया हूँ। तो काफ़ी ठंड है, अभी मैं छत पे आया हूँ। मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ, थोड़े बहुत जितना दिखा सकता हूँ। तो ये लास्ट वीडियो रहेगा, मतलब ये एंड रहेगा। तो यहाँ पे देख लो कि मामा ने मेरे क्या क्या झाड़ लगाए हैं। कुछ झाड़ है जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पता नहीं कौन कौन से हैं, बट कुछ फ्लावर्स लग रहे हैं।
अरे वाह, बहुत सारी झाड़ी, चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा मुंबई टू प्रयागराज की जर्नी वाया ट्रेन। और अभी ये वीडियो में आप आई होप अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए मुझसे, कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फिर मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा यहाँ पे क्या क्या है प्रयागराज में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो चलते हैं।